बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 2 क्लास 9वीं विज्ञान हिंदी मीडियम जो कि आपको 7 जुलाई को करनी है रिवीजन वर्कशीट में दूसरी वर्कशीट को डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका, क्या तुम जानते हो कि सभी जीव जितने भी चाहे सूक्ष्म संरचनाओं से बने होते हैं उनको की क्या कहा जाता है? कोशिका कहते हैं। तो ये एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि जितने भी जीव हैं उनके अंदर एक सूक्ष्म संरचनाएं होती है जिनको कोशिका कहा जाता है। ये इतनी छोटी होती हैं कि इनको हम आंखों से नहीं देख सकते। एक शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका है और एक जीवाणु सबसे छोटी कोशिका के अंदर कहा जाता है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। जैसे कि एक इमारत बनाने के लिए ईंटें होती हैं, उसी तरह से किसी भी जीव को बनाने के लिए कोशिकाएँ होती हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर प्रथम बार कोशिका की खोज की थी और उन्होंने जो है एक पतली सतह मृत कॉर्क जो है लकड़ी होती है उसके अंदर जो है सूक्ष्मदर्शी के यंत्र के नीचे इन संरचनाओं को देखा था जिनको कि कोशिका नाम दिया गया। कुछ जीव एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा पैरामीशियम, और कुछ बहुत सारी कोशिकाओं के बने होते हैं बहुकोशिक जीव जैसे कि चूहा, पेड़, मानव इत्यादि। हमारे अंदर या बहुकोशिक जीवों के अंदर कई तरह प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जैसे जाइलम, फिलोएम, रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं जो कि आपने पढ़ी हुई हैं। उन्हीं के कुछ चित्रों को यहाँ पे दर्शाया गया है। ये मानव के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं और ये कुछ जीवों के उदाहरण दिए गए हैं एकल कोशिक जीव के। ये हमारे मुँह के अंदर जो कपोल है मतलब अंदर की गाल के अंदर के हिस्से की कोशिकाएँ दिखाई गई हैं। विभिन्न अंग भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। प्रत्येक कोशिका बहुत ही सूक्ष्म अवयवों कोशिकांगों से बनी होती है जैसे केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, रिक्तिका आदि। कोशिकांग कोशिका के भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोशिका ही जो है कोशिका के अंदर भी और भी चीज़ें होती हैं जैसे केंद्रक जो उसको अलग अलग कार्य करने में मदद करती हैं। ये कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिनके आंसर अगले पेज पर आपको हैं, आप पहले खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी बहुत आसान है। कोशिकाएं क्या हैं, वे कहाँ पाई जाती हैं? कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हैं। जीवित प्राणी बहुत ही सूक्ष्म संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें सेल्स कहा जाता है या कोशिका कहा जाता है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव क्या है, कोई दो अंतर लिखिए। तो पहला अंतर तो ये है वे जीव जो एक ही कोशिका से बने होते हैं उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। दूसरा आपने लिखना है झिल्ली से बंधे हुए अंग नहीं होते हैं एक कोशिकीय जीव में, जैसे उदाहरण के तौर पर अमीबा और पैरामीशियम। बहुकोशिक में आपका पहला अंतर है वह जीव जो कई कोशिकाओं से बने होते हैं उनको बहुकोशिक कहते हैं। इनमें झिल्ली से बंधे हुए अंग होते हैं जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था केंद्रक है, पैराम है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब उदाहरण आपको पता है चूहा, आदमी, जो भी। पूरे विश्व में सबसे बड़ी सेल का नाम बताइए, क्या ये दिखाई दे सकता है कि नहीं? इसका आपको उदाहरण लिखना है शुतुरमुर्ग अंडा और ये दिखाई देता है। कोशिका की खोज किसने और कब की थी? कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। तो ये इसके बहुत ही आसान से प्रश्न उत्तर हैं। उम्मीद है वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।